बच्चों देखो, आज हम ना साइंस का ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस गुब्बारे को बोतल में ही हम फुलाते हैं और इसी में हम इसको बंद कर देंगे। तो शुरू करते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो फूला रहा ही नहीं, ये वापस अपने इस शेप में आ गया। अब हम फिर से ट्राई करते हैं। अब देखो, अब ये हमारा गुब्बारा इस बोतल में कैद हो गया है और ऐसा का ऐसा ही है। बच्चों देखो, पहली बार ही हमारा गुब्बारा वापस अपने शेप में आ गया था, लेकिन अब तो नहीं आ रहा। तो इसका ये रीजन है कि यहाँ पे मैंने एक छेद बना रखा है, जिससे कि जब मैंने इसको बंद कर रखा था तो यहाँ पर मैं कितना भी प्रेशर डालूंगी, कितना भी हवा इसमें भरूंगी, लेकिन ये फूलेगा नहीं, है ना। जैसे अभी मैंने इसको बंद कर रखा है, ये फूलेगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको ये छेद को मैं ओपन रखूंगी तो ये फूल जाएगा। और अब मैंने इसमें उंगली लगा रखी है तो ये एज इट इज ही बना हुआ है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो बोतल के अंदर हवा है वो इस छेद से बाहर निकलती रहती है, तो ये गुब्बारे में जो हवा भरी जा रही है वो उसके अंदर आ रही है और अंदर वाली हवा जो बाहर निकल रही है उसका स्थान घेर रही है। ठीक है बच्चों, ये इसका रीज़न है। अब इसको हमें जब बंद करना होगा तो बहुत केयरफुली, बच्चों हमने इसमें गांठ लगा दी है, अब ये इसी के अंदर ही रहेगा। अगर मैं इसको बाहर निकालना भी चाहूँ तो ये नहीं निकलेगा, ये इसके अंदर कैद हो चुका है। आपको आया ना समझ में ये कैसे हुआ, तो आप भी ट्राई करो।